हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं टमाटर का भरता। तो चलिए ये यम्मी सा टमाटर का भरता या टमाटर की चटनी बनाना हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, टमाटर का भरता या टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए होगा टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन की कुछ कलियाँ। ये मैंने हरा पत्ता लहसुन का लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गरम हो जाता है हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। पैन गरम हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको ढक करके पका देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखना है और इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये 5 से 10 मिनट में आपका टमाटर जो है वो भून करके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टमाटर को पकाते हुए हमको 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसकी स्किन अलग होने लगी है। इसको 2 मिनट और पका के इसको हम उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। टमाटर को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। सो देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटर जो हमने पका दिया था वो ठंडा हो गया है, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, अब इस चॉपर में मैं डाल देने वाली हूँ ये लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्चें। साथ में हम ये टमाटर डाल देने वाले हैं। मैं इसका स्किन नहीं निकाल रही हूँ, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसी चॉपर में मैं ये भी डाल दे रही हूँ टमाटर। अब हम इस टमाटर को अच्छी तरीके से चॉपर की मदद से चॉप कर लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये टमाटर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस ये हल्का सा मैश हो जाए। आप इसको पोटैटो मैशर से भी मैश करके बना सकते हैं, बाकी जो हमने गार्लिक और चिलीज डाले थे उसको आप चॉप कर सकते हैं। ओके, टमाटर के पेस्ट को मैंने अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। टमाटर के पेस्ट में अब मैं ये गार्लिक के लीव्स जो हैं, ये हरा लहसुन की पत्तियाँ हैं और ये धनिया का पत्ती है, मैं इसको बारीक चॉप करके इसमें डाल देती हूँ। डाल दिया मैंने इसमें, इसी के साथ मैं लहसुन के पत्ते भी काट के डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये हरा लहसुन की पत्ती ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं कच्चा सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच। डालेंगे हम नमक। अब हम इसको मिक्स दे देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटर का भरता या चटनी कहें इसको, ये बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप इसको लंच में साइड डिश की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ट्राई ज़रूर करना।